एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा, स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सेक्टर्स, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज में जहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी आना एक्सपेक्टेड है। सो अगर मैं पहले सेक्टर की बात करूँ तो वो ये आपको ये पता ही है, ये वाला सेक्टर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर बेसिकली। सो यहाँ पर क्या टेलविंस हैं या क्यों ऐसा लगता है कि स्पेशलिटी केमिकल्स ऑलरेडी आप देख रहे हो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनियाँ दे रही हैं। वन ऑफ द रीजंस इज कि जो चाइना में पार का प्रॉब्लम हो गया है, पार सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया, उसके वजह से काफ़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पर शट डाउन हो चुकी है। मतलब वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं रहा, जिसका फ़ायदा इंडिया को हो रहा है अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म टेलविंस की बात करूँ, सो ऑफकोर्स चाइना प्लस वन तो आप सुन ही रहे हो। सो चाइना प्लस वन की वजह से इंडियन केमिकल्स कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन यू ऑल्सो ये भी हमें ध्यान देना है कि चाइना हैज़ नॉट वैनिश्ड, ओके। चाइना अभी भी है, बट ऑफकोर्स जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, चाइना प्लस वन जो पॉलिसी चल रहा है, उसके वजह से इंडिया जैसी कंट्री को फ़ायदा होगा। सो यहाँ पे जब आप स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करते हो तो बहुत कंपनीज़ हैं, उसमें से आप अच्छे से एनालाइज करके आप कोई भी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, बहुत सारे कंपनीज़ को मैंने कवर किया है। सो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप एज अ स्टार्टिंग पॉइंट उसको देख सकते हैं कि मैनेज किस तरह से उसको एनालाइज किया है। अब नेक्स्ट सेक्टर जहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है वो है इंश्योरेंस सेक्टर। सो अगर मैं इंडिया की बात करूँ, सो एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल इकोनॉमीज या एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ बेसिकली, सो उनके कंपैरिजन में इंडिया में जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो अभी भी इतना पेनिट्रेटेड नहीं है। सो जैसे जैसे इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, बी इट लाइफ इंश्योरेंस, बी इट जनरल इंश्योरेंस, सो यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं बेसिकली इस सेक्टर में ग्रोथ आना 20% के आसपास ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। सो अगेन इंश्योरेंस सेक्टर इज़ वन जहाँ पे आपको ध्यान देना है। इंश्योरेंस सेक्टर, अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर को देखोगे, इसको एनालाइज करना थोड़ा अलग होता है, थोड़ा नंबर्स, थोड़े टर्म्स अलग होते हैं, थोड़ा उसका अकाउंटिंग अलग होता है। सो आप इंश्योरेंस सेक्टर को ज़रूर एनालाइज कीजिएगा। मैं भी फ्यूचर में एक दो वीडियोज़ इंश्योरेंस कंपनीज पर ज़रूर बनाऊँगी। सो इंश्योरेंस सेक्टर इज़ वन जहाँ पर आपको ध्यान देना है। सेकेंड सेक्टर जहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ सकती है वो है हेल्थ केयर। अभी हेल्थ केयर मैंने ब्रॉडली बता दिया, अब इसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, राइट। तो हम एक एक देखते हैं। सो पहला है डायग्नोस्टिक सेक्टर या जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री है। सो यहाँ पर डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री मतलब कि आपका जो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स हो गया, थायरो केयर हो गया, इनको डायग्नोस्टिक चेन्स बोलते हैं। सो बेसिकली नाउ व्हाई आई एम बुलिश टू दिस इंडस्ट्री इज़ कि सबसे पहली चीज़ कि भाई पहले ऐसा होता था कि हमें कुछ बुखार वुखार होता था तो हम लोग टेस्ट नहीं करवाने जाते थे, लेकिन अभी क्योंकि कोविड आ गया, कोविड की वजह से हम लोग कुछ नहीं हुआ कि हम लोग जाके टेस्ट करवा रहे हैं। ऑफकोर्स ये थोड़ा जैसे जैसे कोविड कम होते जाएगा, मतलब जैसे जैसे हम यूज़ टू होते जाएंगे तो कोविड की टेस्ट भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी, ओके। ये थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगा आगे जाके। लेकिन सेकेंड रीज़न जो है मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आप डायग्नोस्टिक चेन्स में या डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्टर का पेनिट्रेशन देखोगे, मतलब जो डॉक्टर पाथलैब्स हो गया, SRL, थायरो केयर, ये जो बड़े बड़े सेंटर्स है, अगर आप उनका उनका जब आप मार्केट शेयर देखोगे बहुत कम है। सो बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है ये अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से ज़्यादा, ये अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ने ज़्यादा लेके रखा है मार्केट शेयर, ओके। ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास मार्केट शेयर ज़्यादा नहीं है। आगे जाके ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से मार्केट शेयर लेने वाले हैं। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की जब मैं बात कर रही हूँ, मतलब ये आपके सिटी में भी छोटे छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर्स होंगे, जैसे मेरे यहाँ भी बहुत छोटे छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, ओके। सो रीजनल डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो आप बोल सकते हैं, जो रीजनल प्लेयर्स, लोकल प्लेयर्स जिसको हम बोलते हैं, वो लोग अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स में आते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो मैं बड़े डॉक्टर पाथलैब या ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की जब मैं बात करती हूँ, इनको हम ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बोलते हैं। तो क्यों ये लोग अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से मार्केट शेयर छीन सकते हैं? बेसिकली ये लोग दे विल ग्रैब इट, दे विल एक्वायर एक तरह से।
सो क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं उनके पास इतना इतनी हैवी हैवी इतनी बड़ी मशीनरीज नहीं होती, इतना कैपिटल नहीं होता है। फिर क्योंकि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जो है ना, उसको आप एंटर तो जल्दी कर लोगे लेकिन इसको स्केल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये स्केल, ये जो सारी बड़ी बड़ी चेन्स हैं, इनको ये लोग स्केल अच्छे से कर लेते हैं, हालांकि उनको भी दिक्कत होती है, बट दे हैव दैट कैपिटल, दे हैव दैट मैन पावर, दे हैव दैट एवरीथिंग कि वो लोग स्केल कर पाए। जो छोटे छोटे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास वो एडवांटेज नहीं होता है। सो इस रीज़न की वजह से जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं जिनका मार्केट शेयर अभी बहुत कम है, वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से मार्केट शेयर अच्छा खासा ले लेंगे। सो आगे कुछ सालों में आप देखोगे कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं धीरे धीरे काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर लेके बैठ जाएंगे। सो ऐसे केस में डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जहाँ है वहाँ आपने ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर सी, मैं कुछ कंपनीज का नाम लूँगी लेकिन ये कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ओके। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कंपनीज का नाम लूँगी। सो ऐसे केस में डॉक्टर लाल पैथलैब्स जो है वो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी अच्छे से वो स्केल अप कर रहा है ऐसे केस में। सो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्रीज वन जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। हेल्थ केयर के अंडर मुझे और एक सेगमेंट जो पसंद है वो है एनिमल फार्मा। सो यहाँ पर बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाया था NGL फाइनकेम के ऊपर, तो आप वो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। मुझे एनिमल फार्मा एक सेगमेंट काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे मुझे नज़र आता है। सो ये भी आप एक सेगमेंट को एनालाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है जो हेल्थ केयर के अंडर ही आती है, दैट इज़ मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 12-13% CAGR की ग्रोथ आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ मेडिकल डिवाइसेस पे पॉली मेडिकल नाम की एक कंपनी है, उसके ऊपर मैंने एक एनालिसिस कवर किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हो। सो बेसिकली मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री मुझे एक अच्छी लगती है। और ऐसे केस में नाउ व्हाई, अगर मैं थोड़ा पॉली मेडिकल की बात करूँ तो यहाँ पर नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ये जो डिवाइसेस है, मेडिकल डिवाइसेस है, ये इंपोर्ट किए जाते हैं, हैवीली इंपोर्ट किए जाते हैं। सो नाउ गवर्नमेंट की बहुत सारी इनिशिएटिव्स हैं PLI स्कीम के अंडर, जो इंडियन कंपनीज हैं दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड एंड काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो रहे हैं कि काफ़ी, जैसे अगर मैं पॉली मेडिकल की बात करूँ तो जो डायलिसिस में उनका काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, जबकि 90% ऑफ डायलिसिस की जो मशीन्स आती हैं वो इम्पोर्ट की जाती हैं, तो पॉली मेडिकल उस पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है। तो PLI स्कीम के तहत उनको काफ़ी सारे अप्रूवल्स भी मिले हैं। तो ऐसे केस में मेडिकल इंडस्ट्री एज अ होल, मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री एज अ होल, मुझे लगता है कि यहाँ पर आगे जाके, शॉर्ट टर्म में तो नहीं बट आगे जाके मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री जो हेल्थ केयर के अंडर ही है वो है CDMO एंड CMO प्लेयर्स बेसिकली। सो यहाँ पर CDMO का मतलब या CMO का मतलब क्या होता है कि अगर मैं CMO की बात करूँ तो ऐसे केस में जैसे जो इनोवेटर कंपनियाँ होती हैं वो रिसर्च तो कर लेती हैं लेकिन उनको जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो आउटसोर्स करती हैं, ऐसे केस में CMO इज़ दैट। CDMO में क्या होता है कि जो इंडियन कंपनीज़ हैं, जो CDMO प्लेयर है, वो डेवलप भी करते हैं मॉलिक्यूल और फिर मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। सो क्रैम्स CDMO, CRO, CMO आपने बहुत सुना होगा। तो सिंजीन एक प्लेयर है, अगेन ये बाय एंड सेल की एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि सिंजीन एक प्लेयर हो गया, हाइकल एक CDMO प्लेयर हो गया, राइट। सो ये जो CDMO, CMO एंड क्रैम्स वाले जो प्लेयर्स हैं वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो आप उन कंपनीज़ को एनालाइज कर सकते हो जहाँ पे वेयर दे आर इन CDMO, वेयर दे आर इन क्रैम्स या CRO जैसी सर्विसेज में। फिर अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो DVs की मैं बात करूँ तो अगेन ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। सो DVs जो है वो लार्जेस्ट API प्रोड्यूसर है। सो चाइना प्लस वन पॉलिसी DVs को भी हेल्प करेगी क्योंकि चाइना में API प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सो चाइना प्लस वन के वजह से DVs को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सो बेसिकली बिकॉज DVs इज़ एन API प्लेयर, ओके। सो ऐसे केस में इन ऐसे इंडस्ट्री में देखिए, आप ऐसे सेक्टर्स में देखिए, सेक्टर नहीं बोल सकते, ऐसे इंडस्ट्रीज़ में देखिए जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हाई है। सो CDMO, CRO प्लेयर्स की हमने बात की थी, मेडिकल डिवाइसेस की हमने बात की थी, डायग्नोस्टिक चेन्स की हमने बात की थी।
और हेल्थ केयर में आपको क्या लगता है कि और कौन से सेगमेंट्स आ सकते हैं, जैसे इसके अलावा आपको और क्या लगता है कि कौन से सेगमेंट्स और आ सकते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिख के ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता रहती, मैं भी पढ़ती रहती हूँ, तो ऐसे कुछ चीज़ें आप मुझे बताइएगा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, तो ऐसे हम साथ में मिलकर ग्रो होंगे। सो कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि हेल्थ केयर के अंडर और कौन सी चीज़ें मैंने इंक्लूड करनी चाहिए थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। नेक्स्ट सेक्टर बेसिकली ये मतलब एक इनडायरेक्ट प्ले हम बोल सकते हैं, जैसे बहुत बहुत लोगों को लगता है या बहुत मार्केट में बात चल रही है कि रियल स्टेट बूम आ सकता है, रियल स्टेट बूम में है, तो रियल स्टेट के स्टॉक्स काफ़ी बढ़ सकते हैं। सो ऐसे केस में मुझे ऐसा लगता है कि जो बिगनर हैं उन्होंने इनडायरेक्ट प्ले लेना चाहिए, जैसे रियल स्टेट कंपनीज़ जो हैं रियल स्टेट उसमें थोड़ा अकाउंटिंग के इश्यूज आ जाते हैं और उनको पढ़ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो वहाँ जैसे परसेंटेज कंप्लीशन अकाउंटिंग यूज़ होता है, तो वहाँ पर यू कैन नॉट जज दैट नंबर्स, फिर उसके बाद थोड़े अकाउंटिंग के इश्यूज़ वहाँ पर हैं। सो ऐसे केस में आपको मैनेजमेंट पे बेसिकली बहुत भरोसा होना चाहिए, मैनेजमेंट ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके रियल स्टेट के बूम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वी कैन ऑफकोर्स पार्टिसिपेट। हाउ? जो आपके बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं आप इनडायरेक्ट प्ले में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे जो आपके बिल्डिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप देखिए उसमें कोई कंपनीज हैं क्या, जैसे आपका प्रिंस पाइप हो गया, आपका अपोलो पाइप्स जो हो गया, अगेन ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर से बता रही हूँ। तो मैंने प्रिंस पाइप पे एक वीडियो कवर किया था, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। मैंने अपोलो पाइप्स के ऊपर भी एक वीडियो कवर किया है, सो ऐसे केस में मैं वो भी लिंक डाल दूँगी। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये कि जो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है आप उसमें देख लीजिए। तो ये तो मैंने पाइप्स का तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया, ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट प्ले आप बोल सकते हो कि आप रियल स्टेट पे ले सकते हो, तो बिल्डिंग प्रोडक्ट्स सिर्फ एक एग्जांपल था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें आप अगर आप इन्वेस्ट करते हो या आप अगर आप उनको देखते हो तो आप डायरेक्टली रियल स्टेट का जो ग्रोथ है उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो जैसे अगर मैं पाइप्स की ही बात करूं तो पहले जैसे GI पाइप्स चलते थे वो अभी रिप्लेस हो रहे हैं CPVC पाइप्स के लिए, तो CPVC में काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, राइट? सो ऐसी कंपनीज आप देखिए जो CPVC में अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही हो या अपना बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा रही हो, राइट? फिर उसके बाद अगेन आप जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को आप देख सकते हो, अगर आपको रियल स्टेट का रियल स्टेट की बूम एंजॉय करनी है, सो ऐसे केस में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उसमें आप देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे भी आपको काफ़ी सेलेक्टिव कंपनियाँ लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर अगेन आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि NPAs एंड बाकी सबकी रिस्क जो, क्योंकि बेसिकली हाउसिंग फाइनेंस और बैंकिंग की जब हम बात करते हो तो हमें रिस्क कैसे वो कंपनियाँ मिटिगेट कर रही हैं या रिस्क को कैसे हैंडल कर रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पैसा तो हम सबको दे सकते हैं, पैसा दे के तो बहुत आप AUM की ग्रोथ बढ़ा सकते हो, लेकिन वो पैसा वापस भी आना चाहिए। तो बेसिकली आपके NPAs जो है वो कम होने चाहिए या बैड लोन्स बहुत कम होने चाहिए। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है जब आप बैंकिंग या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को या जो बेसिकली लोन जो कंपनीज लोन देती है उसको आप देखते हो। तो जब मैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की बात कर रही हूँ तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखनी है, रिस्क और बाकी सब कुछ, राइट? तो रिस्क तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है इस इंडस्ट्री में। सो हाउसिंग फाइनेंस एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो और अच्छी कंपनीज़ को आप एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ स्टेज पे है, अगेन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से काफ़ी धीरे धीरे करके मार्केट शेयर ले रही हैं, और अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास आप देखोगे कि साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। सो ग्रोथ अभी भी
काफ़ी है अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करूँ तो उनके पास अभी भी मार्केट काफ़ी अच्छा खासा है ग्रैब करने के लिए। अगेन अभी आप देख रहे हो कि कोविड की चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो बैंकिंग में आप देख रहे हो कि कलेक्शन एफिशिएंसीज काफ़ी अच्छी हो रही हैं, राइट। सो ऐसे केस में अगेन बैंक्स एक अच्छे स्पॉट पे भी हैं अभी भी, अगर अनलेस कि अगर जैसे कोई कोविड का फिर से कोई चीज़ नहीं आ जाती और फिर से कुछ यू नो ज़्यादा लेवल पे पहुंच नहीं जाता तब थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अभी कंसीडरिंग द फैक्ट कि कोविड की सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं और धीरे धीरे यू नो सब यूज्ड टू हो गए हैं, तो ऐसे केस में आप देख रहे हो कि कलेक्शन एफिशिएंसी जो है इन बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी अच्छी से तेज़ी से बढ़ रही है। सो ऐसे केस में मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से एक अच्छा सेक्टर होता है आगे अगर ग्रोथ पाथ की हम बात करें तो। नेक्स्ट सेक्टर जहां मुझे लगता है कि ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, ये सेक्टर आपको पता ही है, इसको डिफेंसिव सेक्टर भी बोला जाता है, FMCG सेक्टर। ओके, यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है, आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे ये सेक्टर के बारे में। सो FMCG सेक्टर एक है जहाँ मुझे लगता है कि ग्रोथ हमेशा ग्रोथ चलती आई है और हमेशा ये ग्रोथ चलती रहेगी, इसलिए इसको डिफेंसिव सेक्टर बोला जाता है। बहुत लोग IT को डिफेंसिव सेक्टर बोलते हैं, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ऑफकोर्स IT में ग्रोथ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि IT कैन बी कॉल्ड एज अ डिफेंसिव सेक्टर, बिकॉज इतनी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम ऐसे दौर में बैठे हैं कि जहाँ टेक्नोलॉजी हर रोज़ चेंज हो रही है, उसको हम डिफेंसिव सेक्टर कैसे बोल सकते हैं। ऑफकोर्स IT जो नेक्स्ट की मैं बात कर रही हूँ कि IT सेक्टर जो है वो ऑफकोर्स ग्रोथ पाथ पे है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत IT कंपनियाँ हैं, ठीक है, बहुत IT कंपनियाँ यहाँ पे, आपको बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना होगा, जैसे कि आप एट्रीशन रेट भी, क्योंकि IT में एम्प्लॉई जो है दे आर दी एसेट्स ऑफ दिस कंपनीज, ओके, तो यहाँ पे आपको एट्रीशन रेट्स बहुत देखने होंगे, क्योंकि आप अभी वॉर टैलेंट, मतलब वॉर इतना चल रहा है कि टैलेंट को लेके, कि हमेशा से ही IT में ये चलता आया है, यू नो, इसलिए IT वालों को अगर आप देखोगे तो काफ़ी जॉब्स बदलते रहते हैं वो, बिकॉज उनको हाइक ही उस चीज़ पे मिलता है, तो एट्रीशन रेट्स जो होते हैं यहाँ पर उस पर आपको बहुत ध्यान देना है IT में। हाँ, IT अगेन मुझे लगता है कि इसमें ग्रोथ है, ग्रोथ IT में अगेन हमेशा से चलती आई है और आगे भी हमेशा से ग्रोथ चलती रहेगी, लेकिन आपको कुछ बातों का इस पे ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें भी, कि वो कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या कर रही है, राइट, किस इसमें है, बाकी सारे कंपनी से कैसे कंपीट कर रही है, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है। आज के वीडियो के लिए जो लास्ट सेक्टर है वो EV का बहुत सुन रहे हो, जैसे मुझे ना अगर टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे अभी ये नहीं पता कि कौन सी कंपनी अच्छी EV गाड़ियाँ लेके आएगी। आई नो कि EV इज़ द फ्यूचर, बट मुझे नहीं पता कि कौन सी कंपनियाँ उसमें आएंगी या कौन सी कंपनियाँ अच्छा कर रही हैं, जैसे टाटा की गाड़ी आ चुकी है, एक दो गाड़ियाँ भी आ चुकी है, तो आई डोंट नो कि कौन सी अच्छी कंपनी की गाड़ी निकलेगी या लोग किस गाड़ी को पसंद करेंगे, किस कंपनी की गाड़ी को पसंद करेंगे, ये मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है कि EVs पे अगर मैं कंपनीज वाइज बेट करूँ तो मैं किस पे करूँ, लेकिन व्हाट आई नो इज़ कि EVs जो गाड़ियाँ हैं उसमें आजकल सिर्फ EVs ही नहीं, बहुत सारी गाड़ियों में सॉफ्टवेयर्स बहुत लग रहे हैं, ठीक है, तो आज अगर हम नॉर्मल अगर एक यंगस्टर गाड़ी को ले रहा है तो वो ये भी चीज़ें देखता है कि कितनी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है गाड़ी, राइट, कितने सॉफ्टवेयर्स चाहिए उनको। सो ऐसे केस में आई नो कि EV पे अगर मुझे बेट करना है तो हम अगेन इनडायरेक्ट प्ले आप कर सकते हो कि EV गाड़ियों के लिए जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाएगी तो क्या हम उस पर बेट कर सकते हो, जैसे टाटा एलेक्सी एक हो गई, अगेन बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एनालाइज करना है इस चीज़ में, ओके, सो टाटा एलेक्सी एक हो गया जो इन EV पे एक इनडायरेक्ट प्ले हो सकता है। अगेन जो अब अगर EV गाड़ियाँ आ गई तो आपको बैटरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, राइट, वहाँ पर भी जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली बैटरी का नहीं, चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो ऐसे केस में टाटा पावर काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है जहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस की बात आती है, तो क्या आप उसको EV का वो एक इनडायरेक्ट प्ले ले सकते हो क्या, राइट,
सो पर्सनली मुझे लगता है, अभी अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे, जैसे मैंने कहा कि कंपनीज मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आता है कि कौन सी कंपनी में मैंने बेट करना चाहिए, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि उधर सॉफ्टवेयर्स लगेंगे, मुझे ये चीज़ पता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगेगा, उसमें टाटा पावर काफ़ी हैवी एग्रेसिव हो रहा है। सो ऐसे कुछ चीज़ें अगर आप देख सकते हो तो दैट विल बी गुड। अगेन ये सारे जो मैंने सेक्टर्स बताए, ये सारे जो मेरी रीजनिंग बताए, वो मेरा ओपिनियन है, ओके? आपका ओपिनियन डिफर कर सकता है, और ऐसे केस में आप जो भी ये मैंने आपको बताया इसको ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए, फिर उसके बाद आप बहुत सारे कंपनीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज़ जो भी मैंने कहा आप उसको आप अपनी रिसर्च स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। सो आप भी मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि और कौन से सेक्टर्स मैंने लेने चाहिए थे, और मैंने कौन सी कंपनियाँ इंक्लूड करनी चाहिए थी। सो मुझे भी बहुत खुशी होगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।